अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स के रिलेटेड 15 लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज़ क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो एरेज़ बेसिकली इन जावास्क्रिप्ट एन एरे इज़ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास एरे होती है ये कुछ वैल्यूज़ की ऑर्डर लिस्ट होती है, एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ चलती हैं। ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट स्पेसिफाइड बाय एन इंडेक्स। अब देखो एरेज़ के अंदर फ़र्ज करते हैं 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो उसकी हर वैल्यू को एरे का एलिमेंट बोलते हैं और हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। ठीक है, मतलब अगर 10 वैल्यूज़ हैं तो उन 10 डिफरेंट इंडेक्स होंगे जिन इंडेक्स पर वो वैल्यूज़ पड़ी होंगी। ठीक है, वो कहता है फर्स्ट, वो कहता है एन एरे कैन होल्ड वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप। देखो अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ हैं, आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपके पास एक नंबर है, आपके पास एक बूलियन है, ठीक है, कुछ भी है, तो आप उसको एरेज़ के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली उसने बोला है कि लेंथ ऑफ एरे इज डायनामिकली साइज्ड एंड ऑटो ग्रोइंग। ठीक है, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स नहीं होता। ये अगर जितने आप नंबर, जितनी आप उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे, एरे का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा खुद ब खुद ही। ठीक है, तो उसका साइज़ कोई फिक्स नहीं होता। तो ये था हमारा एरे का इंट्रोडक्शन, तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता ये देता हूँ कि एरे का हम यूज़ ही क्यों करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर, मैं आता हूँ हेड के अंदर, मैं एक स्क्रिप्ट का टैग बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग बनाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिखा है एक्स और इसके अंदर मैंने लिख दिया 10। अब मैं जब इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ एक्स। अब ये देखो अगर मैं एक्स को डिस्प्ले करता हूँ स्क्रीन पर, मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, 15 है हमारी फाइल, तो मैं 15 वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये जब ओपन होगी, ये देखो उसने 10 जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, लेकिन देखो अगर मैं इसी के अंदर, इसी वेरिएबल के अंदर 10 और साथ में 20 ले लेता हूँ, दो नंबर ले दिए, तो उसने एरर दे दिया। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, देखते हैं हम इसका एरर क्या चीज़ है, क्यों हमारा स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो मैं इसको इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ, कंसोल में चलते हैं। तो ये देखो कंसोल में उसका एरर आ जाएगा, ये देखो अनएक्सपेक्टेड सेंटेक्स एरर 15.html के अंदर आपकी जो लाइन नंबर 8 है उस पर एरर आया है, अनएक्सपेक्टेड नंबर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड नंबर आ गए हैं। तो हम चलते हैं लाइन नंबर 8 पर, तो ये देखो लाइन नंबर 8 पर हमने अनएक्सपेक्टेड नंबर दे दिए हैं। तो इस तरह से ये एरर आ जाता है। तो इसको हम जो है एरे का यूज़ करके कर सकते हैं। मतलब किस तरह से, एक जो एरे होती है उसके अंदर एक ही वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब उसको बनाते कैसे हैं, तो जस्ट आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में और एंड में आपने जो है ना ये ब्रैकेट लगा देनी है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर आप जितनी भी वैल्यूज़ देना चाहें वो आप दे सकते हैं। आप नंबर देना चाहें, आप स्ट्रिंग देना चाहें, आप बूलियन देना चाहें, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज़ आप इसके अंदर दे सकते हैं एक एरे के अंदर। फिर से सुन लें, एरे को आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यूज़ लिखनी है। एरे, एरे का नाम, ठीक है, वेरिएबल, एरे का नाम और इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके वैल्यूज़ आपने लिख देनी है। अब जब मैं एक्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता हूँ, मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 10 और 20 उसने डिस्प्ले कर दिया। अब फ़र्ज़ करते हैं आपके पास स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। अब आपने हर स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवाना पड़ेगी। लेकिन जब आपके पास एरेज आ जाती हैं तो एरेज से आपने जस्ट क्या लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं मैं स्टूडेंट नाम से वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं 100 स्टूडेंट्स का डेटा मार्कआउट कर देता हूँ इस तरह से। मतलब कि मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ ज़ीशान, ये मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर कोमे लगाता हूँ और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिख देता हूँ अली, और इसी तरह से मैं बाहर चलता हूँ, यहाँ पे कोमा लगाता हूँ और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिख देता हूँ असद। इसी तरह से मैं अपना 100 स्टूडेंट हूँ, 1000 स्टूडेंट हूँ, जितने भी हूँ स्टूडेंट, मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो हमारा ये इस तरह से शो हो जाएगा। अभी ये कुछ एरर आ रहा होगा जिसकी वजह से शो नहीं हो रहा। तो एरर हमारा ये आ रहा है कि ये देखो हमने इधर एक्स बनाया था वेरिएबल, तो हमने अब उस एक्स वेरिएबल को स्टूडेंट का नाम दे दिया, तो अभी हमको यहाँ पर स्टूडेंट डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टूडेंट और अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए। ठीक है, ज़ीशान, अली, असद, 100 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं हम उनका डेटा जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एरेज़ का यूज़ करते हुए।
अब मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि इनका इंडेक्स होता है, मतलब ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया, सॉरी वेरिएबल का नाम आता है एलिमेंट हो गया, ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया, वन वैल्यू हो गई, ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। अब हर एलिमेंट का अपना अपना इंडेक्स होता है, और एरेज में आपने याद रखना है कि जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। मीन्स दैट किस तरह से, अब ये देखो हमारे पास जो जिशान है इसका इंडेक्स जो होगा वो होगा जीरो, इस तरह से अली का इंडेक्स होगा वन, असद का इंडेक्स होगा टू। अब अगर आपने चाहते हैं कि आप जिशान को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बोला कि स्टूडेंट नाम की जो एरे है इसका इंडेक्स नंबर, अब स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जीरो इंडेक्स, तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी मीन्स दैट जिशान पड़ी है, तो जिशान को जस्ट वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ये देखो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं वन, तो वन इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, अली पड़ी है, तो अभी वो अली को डिस्प्ले कर देगा। ये देखो इसी तरह से अगर आप लिखते हैं टू यहाँ पे, तो ये टू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको जो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो असद को उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। बेसिकली हुआ क्या कि जब हमने वेर एक्स लिखा या वेर स्टूडेंट लिखा, तो इस तरह से सॉरी जब हमने वेर एक्स लिखा तो इस तरह से ये इस तरह से एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अब उसके अंदर हमने थ्री वैल्यूज लिखी हैं, तो क्या हुआ जब हमने थ्री बनाई तो ये इस तरह से उसके थ्री बॉक्स बन गए। मैं इसको जस्ट थ्री बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। जब हमने उसकी थ्री वैल्यूज दी तो यहाँ पर स्क्रीन पर थ्री बॉक्स बन गए। अब हमने बोला फर्स्ट के अंदर मैंने लिखा था जिशान, सॉरी फर्स्ट के अंदर हमने लिखा था यहाँ पर जिशान, तो यहाँ पर मैं जी लिख देता हूँ जस्ट, और यहाँ पर हमने लिखा था अली, तो इस तरह से अली यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह से इस लास्ट वन वाले में हमने लिखा था असद, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असद। ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया, चले जिस तरह से भी लिखा गया हमने समझना है। तो ये इस तरह से जिशान, अली एंड असद, इस तरह से हमने थ्री बॉक्सेज बनाए थे, थ्री हमने नेम लिखे थे एरे के अंदर, तो हमारे पास एक बॉक्स बनेगा जो कि एरे का बॉक्स होगा। इसी तरह से जब हमने उसके अंदर थ्री नेम्स दिए तो हमारे पास थ्री बॉक्स बन जाएंगे, और ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है इसका आपके पास जो मतलब कि इंडेक्स नंबर होगा वो होगा जीरो, इसी तरह से वन, और इसी तरह से टू। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे और बॉक्स बना देते हैं तो इसका इंडेक्स नंबर होगा थ्री, ठीक है। तो जितने भी हम वैल्यूज़ देते जाएंगे उसके इंडेक्स नंबर जीरो वन थ्री इस तरह से चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा हम देखते हैं अपने कोड की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स का यूज़ करते हुए आप सब वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, तो उसके लिए आपके पास लूप का इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेयर वेरिएबल ले लेता हूँ आई और स्टार्ट विद ज़ीरो, ठीक है। हमारा ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, एंड आई इज़ लेस देन, हमारे कितनी वैल्यूज़ हैं, थ्री वैल्यूज़ हैं, तो आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू टू लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन थ्री, और यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट कर चलता रहेगा, और मैं इसकी ब्रैकेट्स लगाता हूँ, और ये वाली जो हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी मैं इसको कट करके इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको रख दिया। अब देखो अब हमें वन टू इंडेक्स नहीं लिखने पड़ेंगे। अब ये इंडेक्स किसके अंदर स्टोर हो चुके हैं, आई के अंदर। आई की वैल्यू जीरो वन टू इस तरह से चेंज होती जाएगी, तो मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ। अभी इस तरह से हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जिशान अली एंड असद। अगर आप इनके मतलब आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में जाएं तो आप नेक्स्ट लाइन में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्प्ले करने के बाद मैं यहाँ पर कैटिनेशन करता हूँ प्लस का साइन, और इसके अंदर मैं लाइन ब्रेकर टैग का यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लाइन ब्रेकर टैग हो जाएगा इस तरह से। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये एक लाइन में जिशान, एक लाइन में अली, एक लाइन में असद, इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि एरेज की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।